वीडियो बन रही है तुम्हारी। अरे मेरा बेटा, हाथ जोड़ के नमस्ते करती है तीसी। नमस्ते और मतड़े। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे को न्यू व्लॉग में। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूं बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ और आप देख सकते हैं आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा मेरे शुरू के पास से। अरे अरे इधर आ, बात कर, नाराज मत हो। बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका है जो कि बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। आप देखो इसका शायद करने का मन कर रहा है आज। शेरू कुछ दिखा दे, अपने दांत वात दिखा दे, दिखा दे। अवंतिका इसके दांत दिखाएगी, देखो अवंतिका बिल्कुल नहीं डरती है शेरू से। हट जा हट जा। आज शेरू को भी मजा आ रहा है धूप में आराम से। देखो कितनी कितनी शरारत करता है तुम्हें ऐसे। काटेगा तो मेरे पंख को काट ले, काट 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 काटता भी नहीं है तुझे पता है ना कि मैं तेरी पिटाई कर दूंगा। इसमें काटता नहीं है दोस्तों। ये देखो कर भाई, ये शेरू बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुका है। दोस्तों चंदा की फेवरेट है गोभी, इसलिए मैं चंदा के लिए गोभी ले आया हूँ। देखो ये अली गोभी है, अब ये गोभी खिलाते चंदा को। ये देखो दोस्तों कितने मजे से खा रहे हैं ना ये। अरे वाह। अरे अपनी स्कूल से आ गई, बहुत दिन के बाद स्कूल खुला। अपनी कैसा रहा इसका स्कूल? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अक्षय नमस्ते दोस्तों, मैं स्कूल से आ गई हूँ। आज बड़ा टाइम हो गया बेटा, ढाई बजे छुट्टी पूरी। उधर तक रखा ना, उधर रख दो। तो क्या क्या पढ़ाया आज मैम ने? आज मैम ने एक बुक, ठंड तो नहीं लगी थी स्कूल में? मैम ने मुझे गुड दिया था, मैंने मैम को वर्क करके दिखाया था मैथ का। तुझे तो हमेशा गुड ही मिलता है, अक्सर कोई मिलता है ऐसा नहीं है, है ना? चलो चेंज करके खाना वाना खा लो। और इधर आप देख सकते हो ये तो बुढ़ियों की तरह इतना गेम खिलाया कल, इतने इतने मारे जो मेरे। खाया क्या तेने इसमें दिखा उठा के? क्या दिखाऊं, तो सब खा ली हो गया। कड़ी पी थी गरम गरम। अच्छा, और ये हरी मिर्चा। तो आज सुकड़ के क्यों बैठता है धूप में, जब बुढ़िया बैठती हैं? हरी मिर्च खा लेता है तू? खाइए खाइए देखूं। और खा। देखा ऐसा कहते हैं सारू, कभी भी झाड़ के पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। तारीफों के चक्कर चक्कर में एक खा के हरी मिर्च और उसके बाद इधर मिर्ची लग गई। कैसे लगा, मजा आया? तो मैं आ गया हूँ नीचे, आज मुझे नहाना है। और इधर अम्मा धो रही कपड़े, देखो मैं मतलब कपड़ा ना पूछना। तुम इतनी शर्माती क्यों? तुम क्या नई नवेली बहू हो? दोस्तों एक राज मैं आपको बताऊं, देखो अम्मा की उम्र कम से कम 55 साल हो गई होगी, ज्यादा ही। और देखो अम्मा का एक भी बाल भूरा नहीं है। इसका एक राज है, ट्रिक है इसकी, मैं बताऊंगा नहीं है, बता दूं? बता दे। इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है दोस्तों, बस ऐसी है नेचुरल। अम्मा के बाल है देखो 55-60 तो नहीं हुई, 55 साल तो है और अभी तक एक ही बाल भूरा नहीं हुआ। उस पर की तरफ कपड़े लेकर आता हूँ, आज नहाता हूँ धोता हूँ और उसके बाद फिर कहीं जाना है। मैं अभी आपको बताऊंगा जाना कहाँ है। तो अभी सीरत से बात करते हैं। इधर नमस्ते कर ले, नमस्ते हाथ जोड़ कर। नमस्ते दीदी, नन्नू वीडियो बन रही है तुम्हारी। अरे मेरा बेटा, हाथ जोड़ कर नमस्ते करती है तीसी। नमस्ते, और मत्था टेक रही है। मत्था टेक रही है तीसी। नमस्ते दीदी, हेलो कर दो। हेलो सीरत, हेलो कर दो गाइस को। नमस्ते कर दो रही है। हेलो, हाथ ला करो, हेलो गाइस। मोए मोए हाथ ला, हाथ ला, हेलो गाइस। सीरत मोए मोए कर, मोए मोए करना, मोए मोए। ऐसी है सीरत, कितने मजे करती है यार ये। अभी बात कर दीदी की, लड़की इतना हंसी दिलाती है जब भी मैं उससे फोन पे बातें करता हूँ, बहुत ही ज्यादा मजे दिलाती है। अभी कुछ ही दिनों में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ उनसे, उनके घर जाऊंगा। और आप देख सकते हो एकदम सूरज छिप गया है, शाम हो गई है और मोहल्ले में आया है वो खेल दिखाने वाले। आपको आपके यहाँ पे भी आते होंगे, ये देखो। अभी चलते हैं नीचे की तरफ, दिखाओ ना भैया, क्यों ना दिखा रहे। माता जी हमें टूर जाना है,
टेम हो रहा है ज्यादा, अभी यहाँ पब्लिक भी इकट्ठी नहीं है, खेल तो हम दिखा देंगे, कुछ ना मिला तो हम पीछे से भी ले जाएंगे। जब खेल दिखाओगे तब तो पब्लिक आएगी। दोस्तों ये नाराज होकर भाग गए क्योंकि पब्लिक ज्यादा आई नहीं है, चले गए बेचारे। दोस्तों आज हमारे यहाँ बनी है कचौड़ियाँ क्योंकि आज सकट है, और यहाँ देख सकते हैं आग मैंने जला दी है पूरी, और इधर अवंतिका भी है। अवंतिका आज तो तूने हेलो गाइस भी नहीं किया। खरगोश के बच्चे बताओ। खरगोश के बच्चे नाम नहीं बताया मैंने तुझे, उसका क्या नाम है बताओ? चीकू एंड चंदा है ना, चीकू और चंदा, चंदा। जल्दी हेलो गाइस करना फिर कोई आ जाएगा। हेलो गाइस कैसे आप लोग? ये वीडियो क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्त भेजना बंद कर देंगे। हां और गाइस को क्या खिलाएगी आज तू? कचौड़ी। तो बोल दे, कह दे आ जाओ, कौन-कौन खाना चाहता है? आ जाओ कौन-कौन खाना चाहता है? आज मेरी मम्मी कचौड़ी बनाएंगी तो फिर तुम खाने आ जाओ, कितने टेस्टी लगेंगी बता। हां खा के बताना, वो तो भी जब खाएंगे गाइस जब ही बताएंगे है ना। तो गाइस से बात तो करे कर, तू गाइस से बात तो करती ना? गाइस ये कहते हैं कि अवंतिका बात तो करती नहीं है। डांस करके गाइस को, गाइस सुन कह रहे कि अवंतिका का डांस अच्छा तो लगता है पर अवंतिका हेलो गाइस नहीं करती है। करके दिखा, जल्दी करके दिखा। चल हेलो गाइस कैसे अपने नहीं डांस, हां पीछे जाके करके दिखा। हां अब जल्दी जल्दी कर। अरे वाह, बस 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 गाइस खुश हो गए। अब गाइस से पूछ तो ले कैसा लगा डांस? कैसा लगा डांस? क्या अवंतिका के घर बननी कचौड़ी, और इसने कहा था गाइस को कचौड़ी खिलाऊंगी और इसने खिलाई भी नहीं है। और ये भाभी बना रही है कचौड़ियाँ, ये देखो भाभी बड़ी खस्ता खस्ता बना रही हो। क्या क्या डाला है इसके अंदर? कितनी मसालेदार पेस्ट बनवाया दोस्तों, ये देखो एकदम बड़े मसाले डाल रखे भाभी। और अभी रात में आया इनविटेशन मेरे चाचा के यहाँ पे, उनकी बेटी का बर्थडे है आज, फिर से मैं जा रहा हूँ बर्थडे खाने। पता नहीं अब तो बर्थडे भी कितना खाने लग गया हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ और दीपक जा रहा है और चंचल दीदी जा रही है। चलो जल्दी जल्दी चलो एकदम। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि दीदी कर रही है तिलक। दीदी इसलिए तिलक कर रहे हैं क्योंकि यार मैं तो दीदी से छोटा हूँ ना, दीदी मेरे से बड़े हैं, तो दीदी को ही मैंने भेजा तिलक करने के लिए। मैंने कहा मैं तो छोटा हूँ तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा ऐसे तिलक करते हुए दीदी के सामने। और यहाँ पे दीपक भी पहुंच गया है केक खिलाने के लिए, लेकिन केक दीपक उन्हें नहीं खिलाएगा जिनका बर्थडे है, वो केक पहले आप लोगों को खिलाएगा। ये देखो इतना वो है ना, ये लो खाओ आप लोग केक, जिसका बर्थडे उसको को तो खिला नहीं रहा है, इतना है दीपक को आप सब लोगों से। और जब तक केक खिलाते समय गाल ना साने तब तो मजा ही नहीं आता है। अभी ये भी मतलब गाल सान गए, लो सान दिए गाल, मतलब जब तक गाल नहीं सने मजा नहीं आता। और यहाँ आप देख सकते हो कितनी देसी स्टाइल से चाची हमें खाना परोस रही थी, और खाना बहुत सिंपल सा था दोस्तों लेकिन टेस्टी बहुत था। उधर चंचल दीदी खा रही हैं भर भर के थाली पूरा और मैं अभी आपको बताता हूँ कि देखो कढ़ी चावल कितने टेस्टी थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी दोस्तों सच में। यहाँ दीपक भैया के आगे का भी कर रहा है, अब चंचल दीदी अपने आगे का भी दीपक को दे देंगी। फिर दीपक को आया गुस्सा, दीपक ने मेरी थाली भी उठा के अपने उसमें डाल ली। अब खाना खाने के बाद जो जोश चढ़ा है ना दीपक को डांस करने का, अब ये देखो आप डांस दीपक का और एंजॉय कर लिया। आप चल रहे हैं भाई? भाई फिर हम ठीक है चाचा, चल रहे हैं। नमस्ते चाचा, चलो ठीक है काजल, बाय बाय बाय। सो फ्रेंड्स हम लोग पार्टी में से आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा फन एंजॉय किया हम लोगों ने, इवन डांस करा दीपक ने करा, और चंचल दीदी को तो बिल्कुल आते ही नहीं है, उसी बाद उन्होंने डांस करा क्योंकि डीजे पे तो अच्छे अच्छों का पैर जो है ना उठने लगता है। मैंने भी कराया दोस्तों, मुझे भी नहीं आता इतना खास डांस। उनका बर्थडे था, काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया हम लोगों ने बर्थडे, बहुत ही ज़्यादा सब लोगों ने मस्ती करी। खाना तो हम लोग खा के गए थे, घर ही खा लिया था लेकिन वहाँ पे भी खाया थोड़ा थोड़ा, टेस्टी खाना था। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर होता है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फिर मिलते हैं हम नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, प्यार भरा बाय बाय।